नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मीना क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर। मेरा नाम है हेमंत कुमार और आज भाई हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स हैं इनके ऊपर। ओके, कि कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स जो है वो हमारे कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेगुलेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अलावा स्कैप जो होते हैं ये क्या होते हैं, फॉल्स और आउटलेट, जो टाइप्स ऑफ फॉल आप लोगों ने पढ़े होंगे कि शारदा टाइप फॉल, रैपिड फॉल, ऑगी फॉल, तो इन सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जो भी लोग आ चुके हैं और जो नहीं आए हैं उन्हें आप लोग बुलाइए, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इजी क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में आपके आते हैं, सो पढ़ ही लेते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चंस आते हैं तो नंबर आसानी से आ सकते हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, भाई जो भी लोग आ चुके हैं नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। ओके, कृष्ण जन्माष्टमी, चलो भाई आप लोगों को भी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें थोड़ी ज्यादा शुभकामनाएं, जिन्होंने व्रत नहीं रखा उन्हें भी उतनी ही शुभकामनाएं, ठीक है। चलो भाई वेरी गुड मॉर्निंग, भाई वेरी गुड मॉर्निंग, जो भी लोग आ रहे हो सभी को नमस्कार। और फटाफट से शेयर कर दीजिए भाई अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि हमारी क्लास जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके और बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। चलो भाई आ जाइए फटाफट से और स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। जो लोग नहीं आए हैं उन्हें भी आप लोग बुला लीजिए एक बार, ठीक है। क्लास जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा आज का टॉपिक है, सिंपल तो है ही, साथ के साथ जो है एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार नमस्कार, जो भी लोग आ रहे हो सभी को गुड मॉर्निंग। विशाल जी वेरी गुड मॉर्निंग, संजय जी वेरी गुड मॉर्निंग, राजेश कुमार जी जय श्री कृष्णा, भाई जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी सभी को, ठीक है। तो जन्माष्टमी का त्यौहार है, सभी लोग सेलिब्रेट कर लीजिएगा। ओके, वैसे तो ये जो त्यौहार है वो रात का त्यौहार होता है, दिन का नहीं है, तो दिन में कुछ और कर लेते हैं, कहीं मटकी वटकी फोड़ने मत चले जाना, नहीं तो पुलिस वाले जो है ना वो तुम्हारी मटकी तोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब की बार तो भाई मैं भी नहीं जा रहा, ठीक है। जन्माष्टमी जो है ना इस पर हमेशा छुट्टी रहती थी, जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जिस पर मैं हमेशा छुट्टी करता था, आज पहले बार मैं जन्माष्टमी के दिन क्लास ले रहा हूँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब से आज पहली बार मैंने जन्माष्टमी के दिन पढ़ाया। अदरवाइज हर बार छुट्टी रहती है जन्माष्टमी की, क्यों, क्योंकि मुझे मटकी फोड़ने के लिए जाना होता था और मैंने हर बार मटकी फोड़ी है, लेकिन अब की बार नहीं फोड़ रहे क्योंकि अब की बार कोई फंक्शन ऐसा है नहीं, अगर होता तो मैं चला जाता और फिर क्लास नहीं हो पाती, लेकिन पता है कि सब लोगों को कि नहीं फोड़ सकते, भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर तो भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, ऑनलाइन में आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, तो शेयर कर लीजिए और फिर स्टार्ट कर लेते हैं कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स को, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल सा ये टॉपिक है, आप जब पढ़ोगे तो कहोगे कि बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर सबसे पहले हम बात करें कि भाई ये जो कैनाल रेगुलेटरी सिस्टम है या फिर कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स हैं ये होते क्या हैं, क्या इनका यूज़ होता है, क्यों इनको लेकर के आ गए, हमारी अच्छी खासी हमने कैनाल डिज़ाइन कर ली थी, ठीक है। कैनाल को हमने कैनेडीज थ्योरी से देख लिया था, लेसीज थ्योरी से देख लिया था, कैनाल के टाइप्स भी देख लिए थे, अच्छा खासा हमारा सिंचाई का काम चल रहा था, इरिगेशन जो है वो हमारा अच्छे से हो रहा था, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमको कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स को लेकर के आना पड़ा। तो इसका नाम पढ़िए भाई, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है इसके, कैनाल मतलब नहर। रेगुलेटरी की अगर बात करें तो रेगुलेटरी का मतलब है कि ऐसा एक सिस्टम या फिर ऐसा एक काम जो हमारे कैनाल को रेगुलेट करने का काम करता हो। कैनाल को रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि कैनाल में से जो डिस्चार्ज है, जो वेलोसिटी है, जो सिल्ट वगैरह है, अगर इनको कोई काम हमारा क्या कर रहा है, अगर रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेट करने का मतलब है
तो कम करेगा या फिर ज्यादा कर देगा। जैसे हमारे पंखे का रेगुलेटर नहीं होता, फैन का घर में लगा हुआ रहता है पंखे का रेगुलेटर, उसका काम क्या होता है, पंखे की स्पीड को रेगुलेट करने का। कूलर में जो लगा हुआ रहता है उसका काम क्या होता है, कूलर की स्पीड को रेगुलेट करने का। रेगुलेट मतलब या तो स्पीड को कम कर देगा या फिर स्पीड को ज्यादा कर देगा। तो सेम वो का वही काम यहां पर इन वाले रेगुलेटरी वर्क्स का होता है कि ये या तो डिस्चार्ज को या फिर वेलोसिटी को या फिर सिल्ट को, इन सारी चीजों को या तो ये कम कर देते हैं या फिर ये बढ़ा देते हैं का काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कम करने का काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो प्रेफर किए जाते हैं आपके रेगुलेटरी वर्क्स, वो डिस्चार्ज के लिए होते हैं, जो डिस्चार्ज को रेगुलेट करने के काम आते हो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी आप लोग लिख लीजिएगा, दी वर्क और स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टेड इन और अक्रॉस अ कैनाल टू कंट्रोल एंड रेगुलेट डिस्चार्ज डिस्चार्ज इसके अलावा वेलोसिटी डेप्थ ओके और सिल्ट एक्सेट्रा इज नोन एज कैनाल रेगुलेटरी वर्क रेगुलेटरी वर्क, ठीक है। मतलब ऐसा कोई काम जो हमारी कैनाल की डिस्चार्ज वेलोसिटी डेप्थ सिल्ट इन सारी चीजों को कंट्रोल करे और इनको रेगुलेट करे, तो वो वर्क हमारा क्या कहलाता है, कैनाल रेगुलेटरी वर्क। अब इसके लिए हमें अलग अलग तरह की यहां पर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करनी होती है, और वो स्ट्रक्चर हमारी कौन कौन सी होती है इन्हें भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर नीचे लिख लेना इसके, द फॉलोइंग आर कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स। कौन कौन से कैनाल रेगुलेटरी वर्क होते हैं आपके यहां पर देखिए, सबसे पहला जो आता है वो हमारा कौन सा होता है, रेगुलेटर्स, ठीक है। सेकंड हमारे आ जाते हैं इसके बाद में स्कैप, तीसरे फिर हमारे कौन से वाले आ जाते हैं, फॉल, जो आज का हमारा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा टॉपिक है, ओके। सबसे बड़ा भी आज का यही टॉपिक है हमारा, फॉल के ऊपर की टाइप्स ऑफ फॉल, कितने टाइप के अलग अलग फॉल होते हैं, किसका कैसा डायग्राम दिखता है, कौन सा फॉल आप कहां प्रोवाइड करवाते हो। और इसके बाद में जो फोर्थ नंबर पर आ जाता है वो होते हैं हमारे आउटलेट, या फिर जिन्हें मॉड्यूल भी हम कह सकते हैं, आउटलेट और मॉड्यूल, ठीक है। तो ये आपके होते हैं भाई चार तरह की, ये जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके कंस्ट्रक्ट करी जाती है किसी भी कैनाल में, किस काम के लिए, कैनाल को रेगुलेट करने के लिए। तो क्यों ना सबसे पहले भाई हम पढ़ लेते हैं रेगुलेटर, कि ये रेगुलेटर जो होते हैं इनका क्या काम होता है और कैसे इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो सबसे पहली आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा रेगुलेटर्स, ठीक है। अगर रेगुलेटर्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो भाई इन रेगुलेटर्स का काम होता है जो आपका इरिगेशन वाटर है इसे रेगुलेट करने का। तो यहां पर लिख लीजिएगा, ज्यादा कुछ इसमें समझाने लायक है नहीं, ठीक है। क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं भाई, कंस्ट्रक्टेड टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर इरिगेशन वाटर, कि जो हमारा इरिगेशन वाटर होता है इसकी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये बात देख लेते हैं, इससे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, नहीं नोट किया हो तो भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, देख लेते हैं भाई कैसे ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। मैंने क्या लिखवा रखा है, कंस्ट्रक्टेड टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर। मान लो आपकी एक इस तरह से करके कैनाल है, ये आपकी हो गई एक कैनाल, ठीक है। इस कैनाल का काम क्या है, आपका वाटर सप्लाई करने का है। मान लो ये इरिगेशन वाटर सप्लाई कर रही है, ठीक है। अभी मान लो
आपके यहाँ पर जो एरिया है, जो पर्टिकुलर एक एरिया है, इसमें आपको छोड़ना है, ठीक है, इस वाले एरिया में भी आपको पानी को छोड़ना है, ठीक है। तो ये जो कैनाल रेगुलेटर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, वाटर सप्लाई को रेगुलेट करने का इनका काम होता है। तो यहां से जो वाटर सप्लाई होगी, अगर आपने यहां पर कोई रेगुलेटर प्रोवाइड करवा दिया, तो ये रेगुलेटर है वो डिस्चार्ज को लिमिटेड कर देता है, ठीक है। या फिर हम कहें भाई एक तरह का बॉल्ब प्रोवाइड करवा देना, ठीक है। अभी आगे जब पढ़ेंगे तो ये बात पूरी आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर रेगुलेटर जो आप लगाओगे, इस वाले रेगुलेटर की कैपेसिटी अलग होगी, और यहां पर जो रेगुलेटर लगेगा इसकी कैपेसिटी अलग होगी, अगर आप किसी अलग अलग एरिया में सप्लाई कर रहे हो। मान लो आपको यहां पर पानी कितना देना है, यहां पे आपको पानी देना है 30 क्यूमैक, और यहां पर आपको पानी देना है कितना, 20 क्यूमैक। तो सीधी सी बात है भाई, आपको अलग अलग डिस्चार्ज करना पड़ेगा, और दोनों में इस वाले डिस्चार्ज को कंट्रोल कौन करता है, ये रेगुलेटर्स, ठीक है। आप अगर रेगुलेटर लगा रखा है, तो ये जो रेगुलेटर है ये यहां पर कितना डिस्चार्ज प्रोवाइड करवाएगा, 30 क्यूमैक का डिस्चार्ज होगा। अगर यहां पर आपने रेगुलेटर लगा रखा है, तो यहां पर आप 20 क्यूमैक का ये जो डिस्चार्ज है, इसे कंट्रोल कर सकते हो, किसकी हेल्प से, रेगुलेटर की हेल्प से। मतलब कि जो इरिगेशन वाटर है हमारा, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेटर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ये जो रेगुलेटर होते हैं आपके, ये भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होते हैं आपके हेड रेगुलेटर्स, या फिर जिन्हें कैनाल हेड रेगुलेटर भी कह सकते हैं। तो टाइप्स इसके लिख लीजिएगा, अगर मैं टाइप्स की बात करना चाहूं, तो इसका पहला टाइप तो कौन सा होता है आपका, पहला टाइप यहां पर होता है कैनाल हेड रेगुलेटर्स, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर्स, डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर्स। और सेकंड आपके आ जाते हैं यहां पर क्रॉस रेगुलेटर्स, क्रॉस रेगुलेटर। अब इन दोनों को कहां कहां प्रोवाइड करवाते हैं और क्या इनके फायदे हो सकते हैं, तो पहला ही का तो आप नाम पढ़िए, कैनाल हेड रेगुलेटर, मतलब ऐसा रेगुलेटर जिसे कैनाल के हेड पर प्रोवाइड करवाएं, वो तो हमारा क्या होगा, कैनाल हेड रेगुलेटर। या फिर मैं कहूं कि डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर, मतलब ऐसा रेगुलेटर जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी पर प्रोवाइड करवा रहे हो, ऑफ टेकिंग कैनाल पर प्रोवाइड करवा रहे हो। और क्रॉस रेगुलेटर का मतलब है जो कहीं पर भी आपने कैनाल के बीच में प्रोवाइड करवा रखा है। एक बार इसका डायग्राम बना लीजिए, आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये मान लो आपकी कौन सी कैनाल आ रही है, ये हो गई आपकी, सॉरी यहां पर इस तरह से करके बनाओ उसको, ये मान लो आपकी कौन सी कैनाल आ रही है, मेन कैनाल है, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, मेन कैनाल हो गई, मेन कैनाल। यहां पे वाटर का फ्लो आपका इस तरफ है, ठीक है, और इस मेन कैनाल से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल रही है, कहां पर होकर के, यहां से होकर के। तो मान लो आपकी ये कोई डिस्ट्रीब्यूटरी यहां से निकल गई, इसको क्या नाम दे दिया आपने, डिस्ट्रीब्यूटरी, या फिर कह सकते हैं कि ऑफ टेकिंग कैनाल, ठीक है, ऑफ टेकिंग कैनाल, ठीक है। पानी कहां होकर के जाएगा, इसमें यहां से होकर के। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो मैंने अपने रेगुलेटर को, अगर मैंने अपने रेगुलेटर को इस वाली जगह पर प्रोवाइड करवा दिया, इस वाली जगह पर अगर मैंने अपने रेगुलेटर को प्रोवाइड करवाया है, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि ये रेगुलेटर मेरा कौन सा होगा, ये मेरा कहलाएगा हेड रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर, और कौन सा वाला, डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर, ठीक है। मतलब ऐसा रेगुलेटर जिसे खोपड़े पर ही लाकर के रख दिया, जिसे है ना हेड पर ही लगा दिया, मतलब इसके माथे पे ही लगा दिया, जहां से ये ऑफ टेकिंग कैनाल स्टार्ट हो रही थी वहीं पर इसको लगा दिया, या फिर जहां पर ये मेन कैनाल से अलग होकर के डिस्ट्रीब्यूटरी बन रही है, इस वाली जगह पर आपने अगर रेगुलेटर को प्रोवाइड करवाया है, तो इस रेगुलेटर को आपका क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। मतलब ऐसा रेगुलेटर जो डिस्ट्रीब्यूटरी के स्टार्टिंग पॉइंट पर प्रोवाइड करवाओगे, यहां पर ये आपको क्या कहलाएगा, हेड रेगुलेटर, या फिर क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। बट अगर मान लो आपको मन किया कि यार मैं क्यों ना यहां पर एक रेगुलेटर प्रोवाइड करवा दूं इस वाली जगह पर, यहां पे, ठीक है, तो इस वाले रेगुलेटर को आपका हेड रेगुलेटर ना कह करके और क्या नाम दिया जाएगा, इसको आप क्या कहोगे, क्रॉस रेगुलेटर, ठीक है, क्रॉस रेगुलेटर। अब इस क्रॉस रेगुलेटर का काम क्या होता है, देख लो भाई, तरफ इस साइड को भूल ही जाओ, ठीक है, या फिर भूलो तो भी काम चल जाएगा। आपकी कैनाल है, मान लो आपको लगा कि यार कैनाल में ना पानी थोड़ा सा कम रहता है,
ठीक है, डिस्चार्ज यहां से कम है, तो जो कैनाल है इस तरह की करके हमारी, इसमें पानी कितना बहता है हमारा, इतना सा करके ही बह रहा है बस, आधे से भी कम में पानी बह रहा है। और आपको क्या चाहिए कि यार क्यों ना ये कैनाल थोड़ी भरी हुई सी दिखे, यहां पर वाटर लेवल जो है वो अगर वो आपको इंक्रीज करना है, इस वाली साइड में अगर आपको वाटर लेवल इंक्रीज करना है तो आपको यहां पर एक क्रॉस रेगुलेटर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि वाटर जो है इसका फ्लो यहां पर रुक जाएगा या फिर एक रेगुलेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होगा तो सीधी सी बात है यहां पर वाटर का लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आई भाई बात समझ में कि कैनाल हेड रेगुलेटर को कहां प्रोवाइड करवाते हैं और क्रॉस रेगुलेटर को कहां पर प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए, इससे आपके बेटर समझ में आएगा। अब इनके एडवांटेज देख लेते हैं कि भाई कैनाल हेड रेगुलेटर्स के हमारे क्या एडवांटेज होते हैं और क्रॉस रेगुलेटर के क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है। पहले इसे नोट करिए फटाफट से, आज से पहले बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता होगी भाई कि हेड रेगुलेटर आपके क्या होते हैं और ये जो होते हैं आपके क्रॉस रेगुलेटर ये क्या होते हैं, लेकिन आज आपको पता चल गया होगा, ठीक है। कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, हेड रेगुलेटर जो है इसे आपके हेड पर प्रोवाइड करवाते हैं, क्रॉस को कहां प्रोवाइड करवाते हैं, किसी भी कैनाल के बीच में प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है बस। चलो भाई फटाफट से नोट कर लो, और अगर नोट नहीं भी किया हो तो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं भाई जो जो कैनाल हेड रेगुलेटरी वर्क्स हैं इनके क्या काम होते हैं। तो हेडिंग लीजिएगा कैनाल हेड रेगुलेटर्स, ठीक है, कैनाल हेड रेगुलेटर्स, कैनाल हेड रेगुलेटर्स, यहां पे लिख भी लीजिएगा साइड में थोड़ा सा, प्रोवाइडेड एट हेड ऑफ कैनाल, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ब्रैकेट में और लिख लीजिएगा, समझ में ना भी आए तो भी स्टार्टिंग पॉइंट पर इसे प्रोवाइड करवाया जाता है। अब अगर मान लो आपका एक कोई ऐसा रेगुलेटर है, यहां पे ये भी लिख लीजिएगा व्हेन अ हेड रेगुलेटर, व्हेन अ हेड रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड एट ऑफ टेकिंग कैनाल then it is known as distributory head regulator, okay। अब अगर इसके एडवांटेज की हम बात करना चाहें कि क्या इसके हमें फायदे हो सकते हैं, तो इसके भाई जो एडवांटेज हैं वो मैंने आपको बताई दिए कि एक तो वाटर को कंट्रोल करता है, ठीक है, वाटर सप्लाई के अलावा जो आपकी सिल्ट एंट्री है इसे भी ये कंट्रोल करता है। तो लिख भी लीजिएगा कंट्रोल वाटर सप्लाई इन ऑफ टेकिंग कैनाल। दूसरा एडवांटेज इसका क्या होता है, कंट्रोल सिल्ट एंट्री, जो सिल्ट की एंट्री होती है इसे भी एक ऑफ टेकिंग कैनाल में ये कंट्रोल करने का काम करता है। और अगर तीसरी बात हम यहां पर लिखना चाहें तो तीसरा इसका काम होता है टू स्टॉप सप्लाई व्हेन इरिगेशन इज नॉट नेसेसरी या फिर नॉट रिक्वायर्ड कि जब भी भाई कभी हमें अगर मान लो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इस रेगुलेटर्स को बंद कर करके और आपकी जो सप्लाई है वाटर सप्लाई है इसे भी स्टॉप कर सकते हो, इसे भी रोक सकते हो, क्लियर। इसके बाद में अगर नेक्स्ट कि टू मेजर डिस्चार्ज in ऑफ टेकिंग
कैनाल की, भाई जो आपकी ऑफ टेकिंग कैनाल है इसमें वाटर का कितना डिस्चार्ज हुआ, इस चीज को भी हम कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैनाल हेड रेगुलेटर प्रोवाइड करवा करके, ठीक है। इस बात को कैलकुलेट करने के लिए टू मेजर डिस्चार्ज इन ऑफ टेकिंग कैनाल, कई बार हो सकता है आपसे यहां से क्वेश्चन किस तरह के बन के आ सकते हैं। देखो भाई, अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया टू मेजर डिस्चार्ज इन ऑफ टेकिंग कैनाल विच टाइप ऑफ रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड, कि डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए कौन से टाइप का हेड रेगुलेटर प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो आपका होता है भाई डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। क्लियर, आ गई बात समझ में। चलिए अब देख लेते हैं क्रॉस, पहले इसको नोट कर लो भाई, क्रॉस रेगुलेटर्स को भी देख लेंगे। चलिए मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं इसको और यहां पे मैं लिख रहा हूं क्रॉस के बारे में। ये तो हो गया हमारा हेड रेगुलेटर, अब देख लेते हैं क्रॉस रेगुलेटर जो है इसके क्या काम होते हैं, क्या इसके एडवांटेज है, क्यों प्रोवाइड करवाया जाता है। सेकंड नोट कर लीजिएगा क्रॉस रेगुलेटर्स। अगर मैं बात करना चाहूं भाई क्रॉस रेगुलेटर्स की, तो इन्हें कहां प्रोवाइड करवाते हैं, डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ कैनाल, प्रोवाइडेड एट डाउनस्ट्रीम साइड, डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ कैनाल। अब फायदे क्या हो सकते हैं इसके, कौन कौन से इसके एडवांटेज होते हैं, इस बात को भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, सबसे पहला जो इसका एडवांटेज होता है वो तो हमारा ये होता है कि टू रेज वाटर लेवल इन अपस्ट्रीम साइड ऑफ कैनाल। सबसे पहला फायदा भाई कि जो अपस्ट्रीम साइड है इसमें आपके कैनाल के जो वाटर होता है इससे सप्लाई, इसकी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। और दूसरा इसका फायदा क्या हो सकता है, दूसरा फायदा भी मैं लिख देता हूं, दूसरा फायदा इसका होगा भाई टू स्टॉप सप्लाई ऑफ वाटर इन डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ कैनाल। देखिए इन दोनों ही बातों का मतलब अभी हम समझ लेते हैं, वैसे तो आपके समझ में आ ही गया होगा इन दोनों बातों का मतलब कि टू रेज वाटर लेवल इन अपस्ट्रीम साइड और डाउनस्ट्रीम साइड, इस बात को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए मैं नीचे वाला थोड़ा सा ये इरेज कर रहा हूं, देखिए समझ लो थोड़े से देर इसको, एक मिनट का काम बस समझने का। मान लो आपकी कैनाल जो है इस तरह की है, ये हो गई आपकी एक कैनाल, ठीक है। इस कैनाल में आपने क्या किया, ये हो गया मान लो इसका अपस्ट्रीम साइड और ये हो गया इसका डाउनस्ट्रीम, ठीक है। वाटर कैसे फ्लो होगा, अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, मतलब पानी जो है वो आपका ऐसे करके यहां से फ्लो हो रहा है। अब अगर मान लो आपने अपने क्रॉस हेड रेगुलेटर जो है इसे कहां प्रोवाइड करवा दिया, इस जगह पे आपने अगर प्रोवाइड करवा दिया, ये आपका क्या हो गया क्रॉस रेगुलेटर, ठीक है। तो इसको प्रोवाइड क्यों करवाते हैं, सबसे पहली बात, पहला पॉइंट रीड करिए, रेज वाटर लेवल इन अपस्ट्रीम साइड, कि अगर आपको अपस्ट्रीम साइड में इस वाली साइड में अगर वाटर का लेवल इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, यहां पर एक क्रॉस रेगुलेटर प्रोवाइड करवा दोगे, पहला पर्पस। और दूसरा पर्पस क्या है, टू स्टॉप सप्लाई ऑफ वाटर इन डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ कैनाल, कि अगर आपको इस वाली डाउनस्ट्रीम साइड में इस वाले हिस्से में अगर आपको वाटर सप्लाई को स्टॉप करना है, पानी को इधर जाने ही नहीं देना, तो भी आप यहां पर ये प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही पर्पस में ये काम लिया जाता है, क्लियर। तो भाई ये होते हैं आपके रेगुलेटर्स। इसके बाद में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फॉल्स के ऊपर, कि जो हमारे कैनाल फॉल होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से कैनाल फॉल को कहां पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इससे पहले आप लोग ये चीज नोट कर लीजिए और अगर समझ में आ गया हो तो बता दो, ठीक है। समझ में आ गया हो तो थम्स अप करके बता दो भाई फटाफट से, और नहीं समझ में आया तो भी बता दो, वापस समझा देंगे।
जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आ रही हैं। अरे भैया व्हाट्सएप बालो, थोड़ी देर के बाद शुभकामना दे लेना यार। बता दो भाई, समझ में आया या नहीं आया? कोई कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का? कोई नेटवर्क का इशू तो नहीं आ गया? स्कैप क्या है भाई? स्कैप अभी आगे देखेंगे, ठीक है? चलो फॉल से पहले स्कैप के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि स्कैप क्या चीज है, ठीक है? चलो भैया स्कैप को देख लेते हैं कि स्पैक क्या है, सॉरी व्हाट इज ऑफ टेकिंग। ओके भाई, ऑफ टेकिंग, देखो ऑफ टेकिंग का मतलब है कि अगर आप अपनी कैनाल से किसी दूसरे कैनाल में, या फिर जैसे कहूं कि भाई ये जो मेन कैनाल है आपकी, अगर आप इस मेन कैनाल से वाटर को ब्रांच कैनाल में भेज रहे हो, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है भाई ऑफ टेकिंग कैनाल। मतलब ऐसी कैनाल जो एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स का पानी ले रही हो। मतलब अगर मान लो रिवर से आपका पानी छोड़ा जा रहा है मेन कैनाल में, देखे कुछ इस तरह से करके जो होता है, अगर आप रिवर से पानी छोड़ रहे हो मेन कैनाल में, तो जो मेन कैनाल है ना वो आपकी ऑफ टेकिंग कहलाएगी। ऑफ टेकिंग मतलब ऐसी कैनाल जो वाटर को ले रही हो, डिस्चार्ज को कैरी कर रही हो, ठीक है? अब अगर मान लो आपने रिवर से छोड़ा मेन कैनाल में, तो जो मेन कैनाल है वो आपकी क्या कहलाएगी? ऑफ टेकिंग कहलाएगी। ऐसे ही अगर मान लो आपने मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल में छोड़ा वाटर वापस रिवर में लेना, ठीक है? हाँ, वाटर वापस रिवर में लेना, क्या कह रहे हो? हाँ आ गया समझ में, चलो कोई दिक्कत नहीं है संजय कुमार जी, ठीक है? ऑफ टेकिंग का मतलब होता है कि ऐसा जो डिस्चार्ज को कैरी करने वाला हमारा एक सिस्टम हो, उसे कहते हैं ऑफ टेकिंग। चाहे वो आपकी कैनाल हो सकती है, वो रिवर भी हो सकती है आपकी, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं स्कैप को कि स्कैप हमारा क्या चीज होता है। सेकंड लिख लीजिएगा स्कैप। अगर मैं स्कैप की बात करूं तो स्कैप की मैं डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, बाद में मैं इसको समझा दूंगा, क्योंकि डेफिनेशन लिखते ही आधा मतलब आपके समझ में आ जाएगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, आ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन कैनाल सिस्टम टू या फिर फॉर द पर्पज, कैनाल सिस्टम फॉर द पर्पज ऑफ स्कैप वाटर, ठीक है? अगर वाटर को स्कैप करने के लिए, क्या कह रहे हो भाई? कमेंट आप लोगों के रीड नहीं करिए जा रहे हैं, कमेंट आपके भाई ढंग से थोड़ा सा सही से लिखा करो कि मुझे भी समझ में आ जाए, ठीक है? फॉर द पर्पस ऑफ स्कैपिंग एक्सेस वाटर इनटू सम नेचुरल ड्रेनेज, ठीक है? या फिर हम हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में क्या लिख सकते हो कि एक्स्ट्रा वाटर को कैनाल से नेचुरल ड्रेन में भेजना। अब मतलब समझ लीजिए, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन कैनाल सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ स्कैपिंग एक्सेस वाटर को स्कैप करने के लिए जो कैनाल सिस्टम हमारा प्रोवाइड करवाया जाए। मान लो ये आपकी कैनाल है, ये आपकी क्या हो गई,
एक कैनाल हो गई, काफी अच्छी खासी कैनाल है, सुंदर तो खैर नहीं है लेकिन अच्छी खासी है। मान लो इस कैनाल में जो वाटर का फ्लो है वो आपका इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इस कैनाल में खूब आपका पानी बह रहा है, मान लो भर के बह रहा है, लेकिन आपको क्या पता चला कि यार इस वाली कैनाल में इतने वाटर का तो काम ही नहीं है, इस कैनाल में इतने पानी का कोई काम नहीं है, हमें तो कम पानी सप्लाई करना है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, यहां पर एक स्कैप आपका क्रिएट कर दिया जाता है। स्कैप कैसे क्रिएट करोगे, इस तरह से करके आपने क्या किया, एक स्कैप क्रिएट कर दिया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपने यहां पर कंस्ट्रक्ट कर दी जो कि वाटर को स्कैप करके और कहां भेजने का काम करती है, किसी नेचुरल ड्रेनेज में। अगर मान लो आसपास में कोई नेचुरल ड्रेन है, नेचुरल ड्रेन का मतलब है कि वो आपकी कोई रिवर हो सकती है, कोई नाला हो सकता है, जैसे मान लो अगर आपकी कैनाल के पास से ही कोई नदी गुजर रही है, ये आपकी क्या हो गई, एक रिवर हो गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस कैनाल में जो एक्स्ट्रा पानी है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, इसे आपने कहां भेज दिया, इस रिवर में भेज दिया, ठीक है, और जितना पानी आपको भेजना था एक्सेस वाटर, इतना ही पानी अगर आपने इस नेचुरल ड्रेनेज में, इस रिवर में अगर आपने भेज दिया, तो इस जो ये स्ट्रक्चर हमने कंस्ट्रक्ट कर रखी है इसे क्या कहेंगे, स्कैप कहा जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो एक्स्ट्रा वाटर को हटाने के लिए काम में लिया जाता हो, ठीक है, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो भाई ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो कैनाल के एक्स्ट्रा पानी को नेचुरल ड्रेन में भेज देती हो। अब ये नेचुरल ड्रेन आपका जरूरी नहीं है कि हमेशा रिवर ही हो सकता है कि ये पास में कोई दूसरी कैनाल हो सकता है कि ये कोई नाला हो सकता है कि ये कोई पॉन्ड हो आपका, ठीक है, हो सकता है कोई रिवर हो, मतलब कोई भी नेचुरल ड्रेन आपका जो हो वहां पर आप इसे भेज सकते हो। तो ऐसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, स्कैप कहा जाता है, ठीक है। क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं भाई इसे, कि कैनाल में जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो एक्सेस वाटर अगर कई बार आ गया, तो इस एक्सेस वाटर को किसी नेचुरल ड्रेनेज में भेजने के लिए आपका स्कैप जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और कितनी कैपेसिटी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो कि इसकी कैपेसिटी की, कि स्कैप जो है इसकी कितनी कैपेसिटी होती है, तो ये बात भी लिख लीजिएगा, द कैपेसिटी ऑफ स्कैप इज कैप्ड कैप्ड एज 50% ऑफ कैनाल, कि जितनी आपकी कैनाल की कैपेसिटी है इसकी आधी कैपेसिटी हमेशा स्कैप की रखी जानी चाहिए, पर द मिनिमम कैपेसिटी, इसको मिनिमम कैपेसिटी भी लिख सकते हो, द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ स्कैप कितनी होनी चाहिए भाई आपकी, ये 50% ऑफ कैनाल, कि जैसे अगर मान लो अगर आपकी जो कैनाल है ये कितना वाटर कर रही है, कितना वाटर कैरी कर रही है, कितना डिस्चार्ज है इसका, मान लो 30 क्यूमैक का है, ठीक है, 30 क्यूमैक का है, तो आपका ये जो स्कैप है इसका जो कैपेसिटी है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 15 क्यूमैक तो होना ही चाहिए, अगर ज्यादा है तो चल जाएगा लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 50% और मैक्सिमम 100%। ऐसा ना हो कि भाई कैनाल से बड़ा स्कैप बना दिया, ओके, ऐसा भी नहीं करते, ठीक है, तो 50% मिनिमम होता है, मैक्सिमम कितना है, आप 100% तक बना सकते हो, कि जितनी बड़ी आपकी कैनाल है आप उतना ही बड़ा स्कैप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बट ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जो 50% कैपेसिटी का स्कैप ही बनाया जाता है। तो भाई ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए कि देखिए मिनिमम कैपेसिटी ऑफ स्कैप कितनी होती है, 50% ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैनाल, कि कैनाल की कैपेसिटी की आधी रखी जाती है, ठीक है, जितनी कैपेसिटी आपकी कैनाल की है उससे आधी कैपेसिटी आपके स्कैप की होती है, ठीक है भाई। तो समझ में आया स्कैप क्या होता है आपका, अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप करके बता दीजिए और फिर आगे बढ़ लेते हैं भाई, ठीक है, फॉल्स की तरफ, कि जो फॉल है जो वो हमारे कितने टाइप के होते हैं। बताओ भाई फटाफट से और नोट भी कर लीजिए इसे साथ के साथ। क्या कह रहे हो भाई, आगे बताएं, चलो आगे का पढ़ लेते हैं फॉल के बारे में। चलो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीच में। देखो आपकी जो सोम की क्लास है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास है, वो शाम को 9 बजे से स्टार्ट तो कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी टाइमिंग की है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो टाइम की है कि
मैं माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए कि मेरे खुद के पास में भी टाइम नहीं है रात को 9 बजे क्लास स्टार्ट करने के लिए। मैंने खूब मैनेज किया अपने टाइम को, बट मैं नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि दिन में 24 घंटे ही होते हैं और 24 घंटे में से 18 घंटे मैं बिजी रहता हूँ। अब रहे बाकी के 6 घंटे, अगर मैं 6 घंटे में से भी 2 घंटे और एक्स्ट्रा टाइम निकालूंगा तो सोने के लिए फिर 4 घंटे का टाइम ही रह जाता है, ठीक है। तो नींद भी लेना प्रॉपर जरूरी है, क्योंकि अगर नींद नहीं लेते ना तो फिर क्लास में पढ़ाते टाइम फिर मन नहीं लगता। ओके, तो 6 घंटे की नींद प्रॉपर जरूरी है, इसीलिए भाई मैं माफी चाहता हूँ कि आपकी जो सोम की क्लास है वो शाम के टाइम स्टार्ट नहीं हो पाई, क्योंकि टाइम मैनेज हो नहीं पा रहा, ठीक है। अगर टाइम मैनेज हो जाता तो मैं क्लास स्टार्ट कर भी लेता, ठीक है भाई। टाइम जो है इसे एडजस्ट करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, और टाइम एडजस्ट करने की एक ही कंडीशन है कि मुझे मेरी कॉलेज वाली जॉब जो है वो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। जो कॉलेज वाली जॉब है मेरी वो छोड़नी पड़ेगी, 3 से 4 घंटे उसके लिए काम करना पड़ता है। काम तो खैर घर से ही होता है, बट फिर भी करना तो पड़ता ही है, ठीक है। तो मैं सोच भी रहा हूँ कि छोड़ देता हूँ, छोड़ भी देंगे, क्या जाता है, कमी थोड़े ना इंडिया में, ठीक है। चलो चलो, वो चीज़ बाद की बात है, एक देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपकी जो सोम की क्लास है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, इसके लिए मैं खुद माफी चाहता हूँ, ठीक है। बाकी मेरा खुद का मन था, अगर मेरा मन नहीं होता तो मैं पूछता ही नहीं आप लोगों से कि सोम की क्लास भी साथ साथ स्टार्ट करें ना करें। मैंने टाइम को भी मैनेज करने की कोशिश करी, बट जो टाइम है वो मैनेज नहीं हो पाया साथ के साथ, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और रही बात आपकी क्लास कंप्लीट होने की, तो जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनका अब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ है, कौन सा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सोम उनका एक सिर्फ अकेला सब्जेक्ट बचा हुआ है। मैंने 15 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए बोला था, और आज जो है वो 12 तारीख हो चुकी है, तो 15 तक तो आपका शायद इरीगेशन ही कंप्लीट हो पाएगा, तो एक्स्ट्रा 15 दिन और मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 15 दिन देरी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। बाकी मैंने 15 अगस्त के लिए तब बोला था जब क्लास स्टार्ट हुए मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ था, तभी मैंने आपसे बोल दिया था कि 15 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन बीच में आपको ही पता है कि कई बार इंटरप्शन आ जाता है, कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से 8-10 क्लासेज नहीं भी हो पाती, ठीक है। तो इसीलिए जो टाइम है वो इधर उधर हो जाता है, ठीक है। किसी को जल्दी थोड़े ना है भाई सिलेबस की, मुझे तो नहीं लगता किसी को जल्दी होगी। रही बात डिग्री वाले स्टूडेंट्स की, उनका FM और जो DSS है स्टील स्ट्रक्चर वो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक है। इरिगेशन के बाद इसी समय पर स्टार्ट कर देना, ठीक है भाई। इरिगेशन के बाद हम सोम ही स्टार्ट करने वाले हैं। देखो सब्जेक्ट अब आपके बचे हुए हैं, एक तो सोम बचा हुआ है, ठीक है। ये तो किसके लिए, ओनली जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है सोम। और जैसे ही हम स्टील पढ़ेंगे तो RSMS भी जाएगा, बस तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा डिग्री का भी, ठीक है। जो डिग्री का सिलेबस है आपका किसका, RSMS BJE का, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो SSC JE है आपका, यहाँ पर और भी सब्जेक्ट आपके आते हैं, जैसे आपका इन्वायरमेंट हो गया, ये आपके SSC JE में आता है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और तो कोई सा बचता नहीं है, फिर यही है इन्वायरमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। कहाँ करेंगे डिप्लोमा वाले, क्या कह रहे हो, ऑटो कैड, हाँ भाई ऑटो कैड, फिर क्या करेंगे डिप्लोमा वाले। अरे भाई फिर बाकी सब्जेक्ट ही पढ़ लेना यार, ये कौन से SSC JE में नहीं आते, SSC JE में आपके सारे टॉपिक आते हैं, चाहे वो डिग्री की बात हो चाहे डिप्लोमा की बात हो। तो ऐसा नहीं है, मैं RSMS BJE के लिए बोल रहा हूँ, और मुझे पता है कि जो लोग RSMS BJE का एग्जाम देंगे वो लोग SSC JE का भी एग्जाम देने वाले हैं। तो भाई इन्वायरमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में आपके दोनों ही आ जाते हैं, हाईवे भी और रेलवे भी, ठीक है। रेलवे में पढ़ाने वाला हूँ और हाईवे भी पढ़ने वाले हैं, साथ के साथ जो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और फिर जैसे ही आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट होगी फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्या, CPM एंड पर्ट, ठीक है। CPM पर्ट के कैड आपको यहाँ पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। एस्टिमेट करवा दिया क्या भाई, एस्टिमेशन जो है वो कंप्लीट करवा दिया, ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करवा दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कंप्लीट है, उसका महाकुंभ भी आपका जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। चलिए तो ये आपका भाई शेड्यूल है, फिर से एक बार देख लीजिए कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट होना है, कैसे करके कंप्लीट होना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, बाकी अब इसका मैं टाइम नहीं दे सकता कि यार ये टाइम जो है वो कब तक कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि चीज़ें अब ऐसी है ना कि आपके अभी कुछ भी ओपन नहीं हो रहा,
तो पढ़ते रहो तब तक। हाईवे एनवायरनमेंट से पहले करवा, हाँ हाईवे को एनवायरनमेंट से पहले करवा देंगे, वो उस टाइम पे वोटिंग करवा लेंगे। बाकी ये जो पूरा शेड्यूल मैंने बताया कि सोम के बाद तो भाई देखो, मैं एफएम स्टार्ट करने वाला हूँ, एफएम या फिर स्टील में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ अभी से ही आपको कि नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा सोम रहने वाला है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। और सोम के बाद में जैसा भी आप लोग कहोगे, एफएम या फिर स्टील कोई भी एक सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर लेंगे। और मेरा जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है वो यही है, फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि पता ही है कि मुझे बहती हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद है बजाय रुकी हुई चीज़ों के। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ये सारी बातें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो आगे की बात देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉल, अब इरीगेशन पे ही आ जाते हैं वापस से। ये तो रही बात आपके सिलेबस की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि कब तक होगा, तो देख लेना भाई कब तक होगा, ठीक है। और रही बात सिलेबस कंप्लीट करवाने की, तो वो तो क्वेश्चन अब आप लोगों के माइंड में शायद नहीं आता होगा कि सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा फॉल्स, ठीक है। अब ये फॉल आपके क्यों प्रोवाइड करवाए जाते हैं भाई, ये बात भी हम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग लाइक शेयर वगैरह पे भी ध्यान दिया करो भाई, क्योंकि स्टूडेंट जब कम होते हैं फिर पढ़ाने का मन नहीं करता क्लास में, ठीक है। तो फटाफट से लोगों को बुला लीजिए, पता नहीं कहाँ चले गए बाकी लोग भी, यहाँ तो लगभग डिप्लोमा के हैं। हाँ नहीं, डिग्री वाले स्टूडेंट्स भी हैं भाई, ओके डिग्री वाले स्टूडेंट्स भी हैं लगभग आधे से ज़्यादा। और एक बार बता दो भाई कौन डिप्लोमा से है, अभी जो लोग देख रहे हैं उनमें बता दीजिए कौन डिप्लोमा से है कौन डिग्री से है, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा पता चले कि कितने लोग डिप्लोमा से बिलोंग करते हैं कितने लोग डिग्री से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है चलिए बात कर लेते हैं भाई फॉल्स के बारे में। तो फॉल्स क्या है, इनके लिए मैं लिख रहा हूं प्रोवाइडेड, ओके कुछ अलग से करके लिख लो इसका थोड़ा सा, कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड अ रिक्वायर्ड बेड स्लोप, रिक्वायर्ड बेड स्लोप टू दी चैनल, ठीक है। डिजाइंड बेड स्लोप लिख लो या फिर रिक्वायर्ड लिख लो, डिजाइन लिख लो सही रहेगा, प्रोवाइड अ डिजाइन बेड स्लोप टू कैनाल, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई, मैं डिप्लोमा और डिग्री दोनों से हूं, चलिए चलिए जैसा भी है, डिप्लोमा डिग्री कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके क्योंकि चीजें तो सेम ही है, सिविल इंजीनियरिंग तो वही है। बाकी रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम में आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने वाला है, जिस किसी भी मीडियम में आप एग्जाम देना चाहो उसमें आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। स्लोप टू चैनल एट पर्टिकुलर इंटरवेल, ठीक है, एट आ पर्टिकुलर इंटरवेल, ठीक है। अगर आपने अपनी कैनाल में किसी सुटेबल या फिर किसी पर्टिकुलर इंटरवेल पर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रखी है, हिंदी में भी बता देना भाई, हिंदी में ही तो चल रहा है लगभग, हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप चल रहा है। अब जो कुछ एक बातें हैं वो तो यार अब उसमें इंग्लिश में ही आनी है ना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड अ डिजाइंड बेड स्लोप टू कैनाल, कि अगर हमें मान लो अपनी कैनाल को एक पर्टिकुलर बेड स्लोप प्रोवाइड करवाना है, जैसे मान लो ये आपका कैनाल है, ये इसका क्या हो गया यहां पर बेड स्लोप, ठीक है। लेकिन जरूर कि आपकी जो कैनाल है वो अभी तो ऐसे करके है, ठीक है, यहां पर क्या हो गया ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। अभी आपकी जो कैनाल है इसमें पानी कहां पे बह रहा है, मान लो इस जगह पे बह रहा है। लेकिन अगर मान लो आपका क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में, थोड़ी आगे चलने के बाद में जो ग्राउंड है आपका, इसका स्लोप चेंज हो गया और ग्राउंड का स्लोप कुछ ऐसे हो गया, तो यहां पर भाई आपको कैनाल में इस वाली जगह पर एक फॉल प्रोवाइड करवाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जब भी कभी आपका ग्राउंड का स्लोप चेंज होता है तो आपको फिर अपना बेड स्लोप भी चेंज करना पड़ता है, और अगर बेड स्लोप चेंज नहीं करना तो फिर आपको यहां पर जो फॉल वगैरह है ये प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। तो नीचे करके एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा कि
कि क्यों प्रोवाइड करवाते हैं भाई इसको। हिंदी में ही बता देना, बता तो रहे हैं भाई। ठीक है नेक्स्ट लीजिएगा, प्रोवाइडेड व्हेन, कब प्रोवाइड करवाते हैं भाई? हाँ व्हेन द स्लोप ऑफ ग्राउंड, स्लोप ऑफ ग्राउंड सडनली चेंज, सडनली चेंज इनटू स्टीपर स्लोप। ठीक है तो कब प्रोवाइड करवा देता भाई? जब भी कभी आपका ग्राउंड का जो स्लोप है वो सडनली अगर चेंज हो जाए एक स्टीपर स्लोप में, तो आपको क्या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा? यहां पर फॉल प्रोवाइड करवाना पड़ता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर वो होती है हमारी टाइप्स ऑफ फॉल, टाइप्स ऑफ फॉल, कि हमारे कितने तरह के हमें अलग अलग फॉल प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो फॉल आता है हमारा वो होता है ऑगी फॉल। सबसे पहला हमारा क्या होता है? ऑगी फॉल। ठीक है अब ये ऑगी फॉल क्या चीज होता है इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले ऊपर का जो है वो फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है मैं इसकी डेफिनेशन अभी लिख देता हूं। वैन एन ऑगी कर्व, ठीक है ऑगी कर्व आपका कौन सा वाला होता है भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कर्व। वैन एन ऑगी कर्व इज प्रोवाइडेड ठीक है, जब कभी आप ऑगी कर्व प्रोवाइड करवाते हो तो ऐसे आपके फॉल को क्या कहा जाता है? या पर थोड़ा और आगे लिख लीजिएगा इसमें, ऑगी कर्व इज प्रोवाइडेड टू कैरी वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर लेवल टू लोअर लेवल। भाई देखो ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, इनमें कुछ समझाने लायक है नहीं, इसीलिए मैं नहीं बता रहा कुछ ज्यादा इतना। ऑगी फॉल में आपका क्या करते हैं, एक ऑगी कर्व प्रोवाइड करवा दिया जाता है, एक ऑगी कर्व प्रोवाइड करवाते हैं। ये ऑगी कर्व आपका क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कर्व, कि जो आपका एक कॉनकेव कर्व है और एक जो कॉन्वेक्स कर्व है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका कहलाता है क्या? ऑगी कर्व। अभी जब डायग्राम बनाएंगे तब आपको क्लियर पता चल जाएगा भाई कैसा ये दिखता है देखने में। अगर इसे आपका प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक हायर लेवल टू लोअर लेवल में, तो ये आपका फॉल क्या कहलाएगा? ऑगी फॉल। अब किस तरह से बनाया जाता है भाई ऑगी फॉल को, इसका डायग्राम देख लीजिए, कुछ इस तरह से करके इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है ये मान लिया आपका जो है वो अपस्ट्रीम साइड है कैनाल का, ठीक है ये हो गया आपका अपस्ट्रीम साइड ऑफ कैनाल, और ये आपका यहां पर कौन सा वाला हो गया? डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ कैनाल। ठीक है ये आपका हो गया अपस्ट्रीम साइड ऑफ कैनाल, ये हो गया डाउनस्ट्रीम ऑफ कैनाल। अब यहां पर क्या होगा? वाटर आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है ये आपका यहां पे पानी है, तो ये पानी जो है वो कैसे करके गिरता है यहां पर नीचे? कुछ ऐसे करके आता है और ऐसे करके निकल जाता है। ठीक है तो ये वाटर का यहां पर फ्लो जो है कुछ इस तरह का हो जाता है, क्लियर। तो इसलिए भाई इस ऑगी कर्व को प्रोवाइड करवाया जाता है कहां पर? जहां पर हमें वाटर को कैरी करना हो एक हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा हमने वाटर को एक हायर लेवल से लोअर लेवल पर भेजा है, मतलब अगर जमीन आपकी किस तरह की है, कुछ इस तरह का अगर आपका ग्राउंड आ गया, तो ऐसी जगह पर आपको क्या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा? ऑगी फॉल को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है अब इसमें और भी चीजें लिख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर आपकी यहां पर कंस्ट्रक्ट की जाती है, ये या तो आपकी मैसनरी की हो सकती है या फिर आपकी जो है वो स्टोन से बनी हुई हो सकती है। तो यहां पर बना लीजिएगा भाई कि ये स्टोन लगा रही है, ये आपकी क्या हो गई भाई? रबल मैसनरी हो जाती है। लिख भी लीजिएगा ऐसे, रबल मैसनरी, क्लियर। तो इस तरह का करके जो है आपका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर को आपका क्या कहा जाता है? ऑगी फॉल। ठीक है एक ऑगी कर्व की तरह ये होता है। ऑगी कर्व आपका कौन सा वाला होता है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव कर्व का जो कॉम्बिनेशन है वो होता है आपका ऑगी कर्व। ठीक है कहां प्रोवाइड करवाते हैं? जहां पर वाटर को एक हायर लेवल से लोअर लेवल में भेजना हो। ठीक है तो कुछ इस तरह का करके इसे प्रोवाइड करवा दिया जाता है, इस तरह का करके होता है इसका शेप। ठीक है
आया भाई समझ में कि ऑगी कर्व आपका किस तरह का दिखता है? तो ये जो ऑगी फॉल है वो आपका डायग्राम बना हुआ है, नोट फटाफट से इसको कर लीजिए। और इसके बाद में देख लेते हैं रैपिड फॉल, जो सबसे अच्छा है बट सबसे महंगा भी है। अच्छा तो है लेकिन साथ के साथ महंगा भी है, ठीक है? तो नेक्स्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा रैपिड फॉल। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर पर नोट कर लीजिएगा रैपिड फॉल। साथ के साथ भाई लिखते रहो क्योंकि मैं समझाने लायक चीजें बहुत कम है और थ्योरेटिकल चीजें हैं थोड़ी सी, तो इसीलिए समझाने लायक कुछ है नहीं, मैं समझा भी कम ही रहा हूँ। रैपिड फॉल की अगर हम लोग बात करें, ये कहाँ पर सुटेबल होता है? जहां पर हमारा जो स्लोप है वो लॉन्ग और इवन होता हो, ठीक है? तो लिख भी लीजिएगा सुटेबल वैन स्लोप ऑफ ग्राउंड इज इवन एंड लॉन्ग, ठीक है? इवन एंड लॉन्ग, या फिर स्लोप ऑफ ग्राउंड सरफेस, थोड़ा सा चेंज कर लेना, इज इवन एंड लॉन्ग, ठीक है? और यहां पर किस तरह से करके एक हमारे फॉल को डिजाइन किया जाता है ये बात भी लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ ग्लेसेस आर प्रोवाइडेड इन अ लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ 1/15 टू 1/15 to 1/20, 1/15 से लेकर के 1/20 तक का एक लॉन्गिट्यूडनल स्लोप यहां पर प्रोवाइड करवाया जाता है। डायग्राम बना करके देखेंगे आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मैं इसका डायग्राम भाई यहां पर बना रहा हूं, इसे ऑगी फॉल को मैं इरेज कर रहा हूं। किसी ने नहीं भी लिखा हो ऑगी फॉल को तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बात और लिख लीजिएगा, It is very satisfactory but expensive, ठीक है? बट क्या होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसीलिए इसको कम प्रेफर किया जाता है। अब किस तरह का दिखता है देखो, मान लो ये आपका क्या हो गया, एक कैनाल का नीचे वाला क्या है, सरफेस है, ठीक है? तो यहां पर आपको जो प्रोवाइड करवाना होता है वो कैसे करके प्रोवाइड करवाओगे? पहले तो कुछ इस तरह का, इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होगा, फिर ऐसे, फिर यहां पर भी वही वाली बात है, फिर से थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होगा, फिर ऐसे करके होगा, ठीक है? फिर से थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, सॉरी ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको यहां पर थोड़ा सा तिरछा सा, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है? और ये सीधा मत बना लेना, इसको थोड़ा सा तिरछा बनाना। कैसे करके बनाओगे तिरछा? कुछ ऐसे, ठीक है? ये जो स्लोप होता है बीच का आपका, ये कितना होता है, 1/15 to 1/20, ये जो स्लोप है यहां पर ये कितना होता है, 20 तक का, ठीक है? और ये आपके क्या होते हैं, ग्लेसेस, ये आपके क्या होते हैं, ग्लेसेस, ये भी आपका क्या हो गया, ग्लेसेस हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, ग्लेसेस हो गया। अब अगर मान लो आपका जो वाटर है वो कहां पर फ्लो हो रहा है, इस वाले लेवल पर फ्लो हो रहा है, ये मान लिया कि आपका अपस्ट्रीम साइड है, ठीक है? और ये आपका कौन सा वाला हो गया, यहां पर डाउन स्ट्रीम साइड, ठीक है? तो जो अब जो वाटर फ्लो होगा यहां पर, जो पानी फ्लो होगा वो किस तरह से करके फ्लो होगा, मान लो आपका वाटर जो है वो यहां से आ रहा है, ठीक है, इस तरह से करके, तो ये जो पानी है पूरा पहले तो कहां जाएगा, इस वाले पर, ठीक है? पहले पानी कहां जाएगा, इस वाले पर जाएगा, यहां तक आया, फिर क्या होगा, इस दूसरे वाले ग्लेशियर के ऊपर जाएगा,
फिर तीसरे वाले ग्लेशियस पे जाएगा, फिर इस वाले ग्लेशियस पे, और फिर लास्ट में धीरे धीरे करके यहां तक ये पानी आ जाएगा कुछ इस तरह से करके। ठीक है, थोड़ा और ढंग से मैं बना देता हूँ, आपको ढंग से पता चल जाएगा इस चीज का कैसे करके पानी जाता रहता है। ओके, तो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर जितनी भी बातें ऊपर लिखी है वो सारी के सारी बातें यहाँ पर दिख भी रही होंगी। कौन कौन सी बातें हमने लिख रखी है ऊपर? सबसे पहली बात हमने लिखी है सुटेबल व्हेन स्लोप ऑफ ग्राउंड सरफेस इज इवन एंड लॉन्ग। अगर आपके ग्राउंड का जो स्लोप है वो इवन है और साथ के साथ लॉन्ग है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी हमने ऑगी फॉल बनाया था, कितनी सी जगह में बना लिया था? इतनी सी जगह में हमने ऑगी फॉल को बना लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ग्राउंड का जो लेंथ है ग्राउंड सरफेस का वो बहुत लंबा है। ठीक है, इसीलिए मैंने डायग्राम को थोड़ा सा लंबा बनाया है, आप भी थोड़ा सा लंबा इसको बनाइएगा जिससे कि पता चल सके कि भाई अगर आपका ग्राउंड सरफेस लॉन्ग और इवन है तो आपको कौन सा फॉल प्रोवाइड करवाना पड़ता है? रैपिड फॉल। दूसरी बात, नंबर ऑफ ग्लेशियस आर प्रोवाइडेड इन अ लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, कि यहां पर बहुत सारे ग्लेशियस प्रोवाइड आपको करवाने होते हैं, जितनी आपकी लेंथ होती है इसी के अकॉर्डिंग आपको ग्लेशियस यहां पर प्रोवाइड करवाना। जरूरी है कि यहां पे मैंने चार पांच बना रखे तो आप भी चार पांच ही बनाओ, कितने भी ये ग्लेशियस हमारे यहां पर हो सकते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं आपको ये ग्लेशियस ही हैं, और एक ग्लेशियस का जो स्लोप है वो कितना होता है, मतलब ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये पहली, ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली, ठीक है, ये फोर्थ नंबर पर और ये फिफ्थ नंबर पर, इनका जो आपका स्लोप है वो कितना रखना पड़ता है आपको? 1:15 to 1:20। एक से थोड़ा सा इसको साइड में इधर कर लेना, ठीक है, 1:15 से लेकर के 1:20 तक का आपको इसका स्लोप रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है? रैपिड फॉल। बट इसको कम प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक्सपेंसिव ज्यादा होता है। महंगा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियस हमें बनाने पड़ते हैं, जब ग्लेशियस आप ज्यादा कंस्ट्रक्ट करोगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर खर्चा भी ज्यादा आएगा, इसीलिए ये जो हमारा फॉल होता है वो एक्सपेंसिव होता है। क्लियर? चलिए इसके बाद में देख लेते हैं ट्रेपेजॉइडल नॉच क्या होता है। ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल हमारे कौन से वाले होते हैं? क्या कह रहे हो भाई? ग्लेशियस मींस, अभी समझा देंगे भाई क्या होता है इनका मतलब। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होती है जो आपकी प्रोवाइड करवाई जाती है यहां पर। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होती है, ग्लेशियस कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ एक स्ट्रक्चर है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल। किसी ने नहीं भी नोट किया हो अगर इसे तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। चलो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं आगे कुछ एक और चीजों पर। रैपिड फॉल के बाद देख लेते हैं ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल को। ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल देखो ये बड़ा ही सिंपल सा टाइप का फॉल है और पुराने जमाने में सबसे ज्यादा इसे ही प्रेफर किया जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में भी लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइडल नॉचेस आर प्रोवाइडेड इन हाई क्रेस्ट वॉल अक्रॉस अ कैनाल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं, ईच नॉच पॉजेज स्मूथ एंट्रेंस ऑफ वॉटर, स्मूथ एंट्रेंस ऑफ
स्मूथ एंट्रेंस टू वॉटर, ठीक है। और अगर तीसरी बात हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वेरी पॉपुलर इन ओल्डर डेज, वेरी पॉपुलर इन ओल्डन डेज, मतलब ये पुराने जमाने का एक फॉल है हमारा। अब देख लेते हैं भाई कैसा दिखता है। अभी तक तो कंफ्यूजन आ रहा होगा, लेकिन जिन लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, उन्हें पता होगा भाई कि नॉच क्या चीज होती है, ठीक है। नॉच जो हमारे होते हैं ये कुछ नहीं होता, सिर्फ एक पर्टिकुलर शेप होता है जो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। देखो आपने पढ़े होंगे अलग अलग टाइप के नॉच, कभी अगर प्रैक्टिकल में भी आपने देखा हो लेबोरेटरी में तो इस टाइप के आपको नॉच दिखते होंगे। ये आपका कौन सा वाला होता है? बी टाइप का नॉच होता है, ठीक है, जिसमें वाटर आपका कहां से होकर के फ्लो होता रहता है, सिर्फ इतने से एरिया में होकर के ही आपका जो वाटर है वो फ्लो होगा, बाकी ये जो एरिया होता है वो आपका अलग तरह का होता है। ये आपका हो जाता है कौन सा? बी नॉच, ठीक है, या फिर ट्राइंगुलर नॉच भी कह सकते हो। एक होता है फिर इसके बाद में आपका कौन सा? रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर नॉच जो होता है वो आपका कुछ इस तरह का दिखता है आपको, कि यहां यहां होकर के वाटर फ्लो होता रहता है। इसके अलावा ये जो होता है आपका तीसरे टाइप का कौन सा? ट्रेपेजॉइडल नॉच। ट्रेपेजॉइडल नॉच आपका किस तरह का दिखता है? कुछ ऐसा करके दिखता है, ये आपका हो गया कौन सा? ट्रेपेजॉइडल नॉच। इस वाले ट्रेपेजॉइडल नॉच में जो पानी है आपका वो कहां होकर के फ्लो होगा? सिर्फ इतने से एरिया में होकर के ही फ्लो होता रहता है, बाकी का ये जो एरिया है वो यहां पर क्या होता है, ठीक है, इस वाले एरिया में आपका जो वाटर है वो फ्लो नहीं करता, सिर्फ जो ऊपर वाला हिस्सा है इसी में आपका वाटर फ्लो करता रहता है। ये आपका क्या हो गया? वाटर। ये भी आपका वाटर और ये भी वाटर, ठीक है। तो ये आपका कौन सा वाला हो जाता है? बी नॉच कहते हैं इसे। ये आपका हो जाता है कौन सा? रेक्टेंगुलर नॉच, रेक्टेंगुलर नॉच। और ये आपका कौन सा हो जाता है? ट्रेपेजॉइडल नॉच, ट्रेपेजॉइडल नॉच, मतलब जिसकी शेप एक बी जैसी दिखती हो, जिसकी शेप बी जैसी हो या फिर एक ट्राइंगल जैसी हो वो आपका होता है बी नॉच। जिसका शेप आपका ऊपर से कैसा हो, एक रेक्टेंगल जैसा हो, वो आपका कहलाता है रेक्टेंगुलर नॉच। और जिसका शेप ऊपर से ट्रेपेजॉइडल हो वो आपका कहलाता है ट्रेपेजॉइडल नॉच। तो ये आपके अलग अलग तरह के नॉच होते हैं, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इनका काफी यूज आने वाला है। अब अगर मान लो आपने इस नॉच को उठा करके और अपनी कैनाल में लगा दिया ऐसे करके, ठीक है, इस नॉच को यहां से उठाया, इस वाले को देखो उठाया, उठा करके कैनाल में अगर लगा दिया तो क्या होगा? वाटर फ्लो कहां पर होगा? सिर्फ इसी वाली जगह पर होकर के आपका जो वाटर है वो फ्लो हो पाता है, ठीक है। अब कैसे करके इसका डायग्राम बन सकता है वो भी देख लीजिए। इससे पहले तो इनको बना लो आप डायग्राम इनका, ठीक है, जिससे कि आपको नॉच भी याद रह जाए, ठीक है। अब अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें कि भाई एक जो आपका नॉच फॉल होता है ये कैसा होता है, तो नॉच फॉल में कुछ भी नहीं करते, आपका एक जो कैनाल है इस कैनाल में एक नॉच कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, एक या फिर कई बार ज्यादा नॉच भी आपके लगा दिए जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है? ये वाटर के फ्लो को रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई आगे, पहले इनका फटाफट से नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो किसी ने नहीं भी नोट किया हो तो। चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और इस चीज के ऊपर। देखो ये अगर मान लो आपका यहां से होकर के कोई कैनाल फ्लो कर रही है, ये कोई कैनाल है आपकी, यहां पर आपने अपनी कैनाल बना रखी है, तो ये आपका क्या हो गया? अपस्ट्रीम साइड, यहां से वाटर आपका जा रहा है, और ये हो गया आपका डाउनस्ट्रीम साइड, ठीक है। क्या करोगे आप? बीच में क्या लगाना है? हमें एक नॉच लगाना है, तो नॉच को आप किस तरह से करके लगा सकते हो? कुछ इस तरह से करके आपको यहां पर नॉच जो है इसे लगा दोगे, ठीक है। और रेक्टेंगुलर अगर इसकी शेप आपको बनानी, तो भाई 3D में इसका डायग्राम होता है, 3D डायग्राम यहां पर मैं बना नहीं सकता, अदरवाइज ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से करके, ठीक है, ये ऐसा ना होकर के और कैसा होता है, कुछ इस तरह का हमें दिखता रहता है। लेकिन ये क्या बनाया है? मैंने इसका टॉप व्यू बनाया है कि भाई ऊपर से कैसा दिखेगा, ठीक है। तो अब के बार क्या होगा कि जो आपके वाटर की सप्लाई है
वो किस तरह से करके हो जाएगी, यहां से तो आपका पूरा पानी आ रहा था, ठीक है, यहां से तो आपका जो वाटर है वो पूरा आ रहा है, लेकिन यहां पर कौन से वाले में होकर के सिर्फ निकलेगा, इतनी सी जगह में होकर के ही आपका जो वाटर है ये निकल पाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से करके, क्लियर। तो ये जगह जो है आपकी, इस वाले को क्या कहते हैं आप, ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल, क्लियर। मतलब एक ट्रेपेजॉइडल नॉच अगर आपने अपनी कैनाल के बीच में लगा दिया, मतलब इस सेक्शन को आपने यहां से उठाया और उठा करके मान लो आपने कैनाल के बीच में ले जाकर के रख दिया, तो क्या होगा, कैनाल में जो वाटर है वो सिर्फ इतने से एरिया में ही फ्लो हो पाएगा, पहले तो पूरी कैनाल में फ्लो हो रहा था लेकिन अब के बाद सिर्फ इतने से में ही फ्लो हो पाएगा, और ऐसे फॉल को हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल, क्लियर। सो नोट करिए भाई इसे फटाफट से डायग्राम इसका, और फिर आगे देख लेते हैं। अब सारदा टाइप फॉल, ये जो सारदा टाइप फॉल है ये बड़ा ही अच्छा फॉल है, चलो जल्दी से भाई नोट करो और लाइक शेयर वगैरह का भी ध्यान रखा करो। अब एटलीस्ट जितने लोग क्लास में रहते हो उतने तो लाइक कर ही दिया करो। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सारदा टाइप फॉल के ऊपर। भाई देखो डिग्री के सिलेबस में आपके आ जाते हैं कहां पर, एसएससी जेई में, ओके। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं सारदा टाइप फॉल। सारदा टाइप या फिर वर्टिकल ड्रॉप फॉल भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब ये सारदा टाइप, भाई इसका नाम सारदा टाइप क्यों पड़ा, क्योंकि इसको सारदा कैनाल के ऊपर बनाया गया था जो कि यूपी के अंदर है, ठीक है, तो वहां इसे बनाया गया था, इसलिए इसका नाम भाई सारदा टाइप फॉल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख सकते हो, क्या लिखोगे, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं बताने लायक, जो इंपॉर्टेंट बात है वो आगे आई जाएगी इसके बारे में, तो इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, हाँ, नंबर ऑफ वर्टिकल ड्रॉप बॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ कैनाल and water flows over the crest of wall, ठीक है, जो water है वो कहाँ flow करता है, यहाँ पर crest जो होता है आपकी wall का इससे ऊपर, ठीक है। अब ये length of crest आपकी कितनी होती है ये बात भी लिख लीजिएगा, the length of crest, लेंथ ऑफ क्रेस्ट इज कैप्ड इक्वल टू बेड विड्थ ऑफ कैनाल, बेड विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है। चलो अब इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, देखिए यहां पर क्या करते हैं, वर्टिकल वॉल आपकी कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है, वर्टिकल वॉल का मतलब है कुछ इस तरह से करके, अगर आपने मान लो बीच में दीवार एक कंस्ट्रक्ट कर दी, यहां पर आपका पानी आ रहा है इस वाली जगह पर, और अगर आपने बीच में ही एक वर्टिकल क्रेस्ट बॉल, अगर वर्टिकल ड्रॉप बॉल आपने कंस्ट्रक्ट कर दी, तो ऐसे फॉल को आपका क्या कहा जाएगा, सारदा टाइप फॉल कहा जाएगा, सारदा टाइप या फिर वर्टिकल ड्रॉप फॉल कह सकते हैं। अब इसका नाम भाई सारदा टाइप फॉल क्यों पड़ा, क्योंकि इस वाले फॉल को सबसे पहले कहां बनाया गया था, जो यूपी में सारदा कैनाल है,
ठीक है, जो भी कोई यूपी से है उसे पता होगा यूपी में शारदा कैनाल है, तो इस शारदा कैनाल पर ये फॉल आपके बनाए गए थे, इसीलिए इन्हें शारदा टाइप फॉल भी कहा जाता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करो भाई, और फिर आगे कुछ और बातें देख लेते हैं इसके बारे में। अब यहां पर ये जो लेंथ ऑफ क्रेस्ट है, जो लेंथ ऑफ क्रेस्ट है वो किसके बराबर रखा जाता है आपका, वेड विड्थ ऑफ कैनाल के। ओके, अब आपका ये जो क्रेस्ट है ये भी दो टाइप का आप प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, और कौन कौन से टाइप का होता है इस बात को भी आगे देख लेते हैं। इससे पहले एक काम करो, डायग्राम बना लो इसका। डायग्राम में नीचे बना देता हूं, ठीक है? तो भाई डायग्राम आप लोग भी साथ साथ बनाते रहिएगा, जिससे कि ज्यादा दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, ये आपका हो जाता है यहां पर, ये मैसनरी का। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से करके एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है। अब मान लो अगर आपका जो वाटर है वो इस वाली जगह पर है, ये आपका हो गया अपस्ट्रीम साइड, और यहां पर आप कह सकते हो कि ये जो साइड है ये आपकी कौन सी हो गई, डाउन स्ट्रीम साइड। ठीक है, अब आपका जो वाटर है वो फ्लो कहाँ होकर के करेगा, कुछ इस तरह से करके आपका ये जो वाटर है वो यहां पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, बीच में एक वर्टिकल वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी, जो मैंने लिखा हुआ है ना वर्टिकल ड्रॉप बॉल, ये वो वर्टिकल ड्रॉप बॉल ही है जो आपने बनाई है। ऐसी एक करके आपने दीवार बना दी, तो पानी अब कैसे जाएगा, ये दीवार रोकेगी, लेकिन एक लिमिट तक ही ये दीवार जो है इस पानी को रोक पाएगी। अगर मान लो रोक रही है कंटिन्यूअसली, तो वाटर का लेवल तो यहां पर इंक्रीज होगा, और अगर पानी का लेवल इंक्रीज होगा तो एक लिमिट तक होने के बाद में ये जो पानी है वो इस बॉल को क्रॉस करना स्टार्ट कर देता है, इस बॉल के ऊपर होकर के ही कूदना स्टार्ट कर देगा। और किस तरह से करके पानी नीचे की तरफ कूदता है भाई, कुछ इस तरह से करके। ठीक है, ये जो पानी है वो नीचे की तरफ कुछ ऐसे करके आएगा और यहां से यूं निकल जाता है। ठीक है, अब एक एरो के थ्रू इस बात को मैं और ढंग से बता देता हूं कि पानी जो है वो आपका कैसे आएगा, यहां से आएगा, फिर बाद में यहां पर, फिर कुछ ऐसे, फिर बाद में ऐसे करके, फिर यहां से यूं और यूं जा करके, और कुछ ऐसे करके यहां पर निकल जाता है। ठीक है, तो ये इसका वाटर का यहां पर फ्लो होता है कि पानी जो है वो ऐसे करके आया और फिर यूं करके और फिर वापस से डाउन स्ट्रीम की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाता है डाउन स्ट्रीम, तो यहां पर ये पानी चला जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से करके आपके एक शारदा टाइप के फॉल में वाटर का फ्लो होता रहता है। ठीक है, आया भाई समझ में किस तरह का करके एक शारदा टाइप फॉल होता है। डायग्राम है शारदा टाइप फॉल का, यहाँ पर नोट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो बॉल है वो आपकी मैसनरी से कंस्ट्रक्ट आती है, मैसनरी या फिर कह सकते हैं कंक्रीट की एक बॉल आपकी यहाँ पर बना दी जाती है। क्लियर, इसे कहते हैं वर्टिकल ड्रॉप बॉल। ओके, आ गया और डायग्राम को देखते ही समझ में कि कैसे करके इस फॉल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब आपकी ये जो क्रेस्ट बॉल है, ये जो क्रेस्ट है आपका, क्रेस्ट मतलब ये जो हिस्सा है इस बॉल का, इसकी विड्थ आपकी कितनी रखी जाती है, इस वाले क्रेस्ट की कितनी रखते हैं भाई, द लेंथ ऑफ क्रेस्ट इज कैप्ड इक्वल टू वेड विड्थ ऑफ कैनाल, कि आपकी जो कैनाल है इसकी जितनी आपकी वेड विड्थ होगी, मतलब ये वाली जो आपकी विड्थ होगी इसी के बराबर इसकी चौड़ाई को रखा जाता है, इसकी लेंथ को रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब आपके जो क्रेस्ट होते हैं ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, और कौन कौन से हो सकते हैं ये बात मैं ऊपर लिख देता हूं कि क्रेस्ट आपको कैसा प्रोवाइड करवाना होता है।
टू टाइप्स ऑफ क्रैश्ड, टू टाइप ऑफ क्रैश्ड आर प्रोवाइडेड, ठीक है, दो टाइप के क्रैश्ड हमें प्रोवाइड करवाने होते हैं। इसका फायदा क्या है शारदा टाइप का? शारदा तो डैम है भाई, देखो डैम होगा लेकिन ये जो फॉल आपका कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये जो कंस्ट्रक्ट किया था वो शारदा टाइप फॉल पर ही कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो वाटर है इसका एक फ्लो जो है वो एक पर्टिकुलर वे में होता है, एक रेगुलेटेड वे में होता है। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल है आपकी, ये पानी को पहले तो रोकेगी, ठीक है, पहले तो पानी को रोकने का काम करती है, और रोकने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी आपका यहां तक भेजा जाता है और नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। ओके, अब ये जो होते हैं आपके क्रैश्ड जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला तो आप कौन सा प्रोवाइड करवाओगे? पहले टाइप का कि इफ डिस्चार्ज इज लेस देन, इफ डिस्चार्ज लेस देन 14 क्यूमैक, अगर आपका डिस्चार्ज 14 क्यूमैक से कम है तो आप कौन सा प्रोवाइड करवाओगे, और अगर आपका डिस्चार्ज जो है वो 14 क्यूमैक से ज्यादा है, इफ डिस्चार्ज मोर देन 14 क्यूमैक। दो कंडीशन आपकी यहां पर हो जाती है कि एक तो अगर आपका डिस्चार्ज जो है ये 14 क्यूमैक से कम है तो आप कौन सा प्रोवाइड करवाओगे, और अगर 14 क्यूमैक से ज्यादा है तो आप कौन सा क्रैश्ड प्रोवाइड करवाते हो। तो 14 से अगर कम है तो आपको प्रोवाइड करवाना पड़ता है कौन सा? रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रैश्ड। और अगर 14 से ज्यादा है तो आप कौन सा प्रोवाइड करवाओगे यहां पर? ट्रेपेजॉइडल क्रैश्ड, ट्रेपेजॉइडल क्रैश्ड आपको प्रोवाइड करवाना पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम लिखना चाहें कि यहां पर किसमें क्या होता है रेक्टेंगुलर में और इसमें डिस्चार्ज कितना कितना हो सकता है, ठीक है, मैं ये डायग्राम भाई यहां से हटा रहा हूं, किसी ने नहीं बनाया हो तो बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगर इन दोनों में हम डिफरेंस देखना चाहें भाई, इनमें क्या डिफरेंस होता है, किस बात का इनमें अंतर आता है? तो यहां पर जो टॉप विड्थ आपकी रखी जाती है, टॉप विड्थ वो आपकी होती है 0.55 अंडर रूट एच, जबकि यहां पर आपकी जो टॉप विड्थ है इसे कितना रखते हैं, ये आपका रखा जाता है अंडर रूट 0.55 अंडर रूट एच प्लस डी, ठीक है, अंडर रूट एच प्लस डी। और अगर हम डिस्चार्ज की बात करना चाहें, अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो यहां पर आपका जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज Q, तो Q इक्वल्स टू आपका यहां पर होता है 1.835 डी एच टू द पावर, सॉरी डी एच नहीं, हाँ डी एच टू द पावर 3/2 एंड एच बाय बी की पावर 1/6। ओके, और अगर यहां पर हम डिस्चार्ज देखना चाहें तो यहां पर आपका जो डिस्चार्ज है, यहां पे आपका जो डिस्चार्ज है क्यू, इसका वैल्यू होता है 1.99 एल एच टू दी पावर 3/2 एंड एच बाय बी की पावर 1/6, सॉरी ये डी नहीं एल होगा यहां पर, ठीक है, ऐसे डी की जगह एल कर लीजिएगा। तो ये भाई यहां पर इन दोनों टाइप के जो आपके होते हैं क्रैश्ड, इनसे डिस्चार्ज की वैल्यू होती है अलग अलग। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लिया जाए कि टॉप विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर क्रैश्ड, कि रेक्टेंगुलर क्रैश्ड की जो आपकी टॉप विड्थ है वो कितनी होती है, इसके अलावा जो रेक्टेंगुलर क्रैश्ड है इसमें आपका डिस्चार्ज कितना होता है, ठीक है। सेम इसी तरह से ट्रेपेजॉइडल क्रैश्ड में आपकी टॉप विड्थ कितनी होती है और ट्रेपेजॉइडल क्रैश्ड में आपका डिस्चार्ज कितना होता है, क्लियर। अब अगर ये लिखना चाहें भाई कि ये एच क्या है, एल क्या है, बी क्या है, तो इनको भी लिख लीजिएगा, कुछ भी नहीं है ये। अगर L को हम लिखना चाहें तो L आपका क्या होता है, लेंथ ऑफ क्रैश्ड, लेंथ ऑफ क्रैश्ड। और अगर इसको देखना चाहें किसे, H, ठीक है, तो H आपका होता है टॉप विड्थ। ओके, टॉप विड्थ H को लिख लीजिएगा, टॉप विड्थ
ऑफ क्रैश्ड, और एक इसमें लेते हैं इन मीटर, ठीक है। और अगर चाहो तो बी को भी लिख लो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है बी के बारे में लिखना, ठीक है। बी क्या होता है आपका, ये डेप्थ ऑफ वाटर है, ठीक है। बी आपका क्या होता है यहां पर, डेप्थ ऑफ वाटर, और ऐसे भी किसमें लेते हैं, मीटर में ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है भाई आपका सारदा टाइप फॉल, ठीक है, जहां पर आपको रेक्टेंगुलर क्रेस्ट और ट्रेपेजॉइडल क्रेस्ट प्रोवाइड करवाने होते हैं। अब इन दोनों ही तरह के क्रेस्ट में आपकी क्या कंडीशंस होती हैं, टॉप विड्थ आपका कितना होता है, और इसके अलावा जो आपका डिस्चार्ज है कितना होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे और भी टाइप के फॉल होते हैं, जैसे आपका ग्लेशियस फॉल हो गया, माउंटेज फॉल हो गया, ठीक है, इंग्लिश फॉल हो गया। तो इन सबको पढ़ने के बजाय हम ग्लेशियस फॉल को ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, ग्लेशियस का भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ऊपर की ग्लेशियस फॉल आपका क्या होता है। बाकी ये जो मेन इंपॉर्टेंट आपके फॉल है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लिख लीजिएगा ग्लेशियस फॉल, ग्लेशियस फॉल। तो यहां पर क्या होता है आपका, इट कंसिस्ट अ स्ट्रेट ग्लेशियस प्रोवाइडेड एट प्रोवाइडेड आफ्टर द रेज्ड क्रैस्ट प्रोवाइडेड आफ्टर द रेज्ड क्रैस्ट, ठीक है। तो यहां आपके होते हैं ग्लेशियस फॉल। अब इसके अलावा और भी टाइप के आपके फॉल हो सकते हैं, जैसे माउंटेज फॉल हो गया, इंग्लिश फॉल हो गया, लेकिन इनके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। फिर भी लिख लीजिए इनका नाम, नाम लिख लो बस, कि माउंटेज फॉल भी एक चीज होती है आपकी और इंग्लिश फॉल भी आपका एक होता है। इंग्लिश फॉल या फिर इसको कह सकते हैं बफल्ड फॉल, ठीक है। ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, ग्लेशियस फॉल के ही मॉडिफाइड फॉर्म होती है, क्लियर। तो यहां पर भाई आपके जो फॉल है ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने भी टाइप के फॉल, जैसे सारदा टाइप फॉल हो गया, ऑगी फॉल हो गया, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वो हम लोगों ने ढंग से पढ़े हैं, बकायदा एक डायग्राम बना करके भी हमने देखा है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में देख लेते हैं भाई जो कैनाल आउटलेट है ये हमारा क्या होता है। चलो और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए भाई। और फिर ये क्या है जेई में, हाँ भाई है जेई में, ठीक है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, कैनाल आउटलेट हमारा क्या है। कैनाल आउटलेट को वैसे तो मैंने जब आपको मेन कैनाल ब्रांच कैनाल बताए थे वहां पर भी बता दिया था हल्का सा कि भाई क्या होता है कैनाल आउटलेट और कहां इसे प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं डिटेल में। फोर्थ नंबर पर हमारा आ जाता है कैनाल आउटलेट या फिर मॉड्यूल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वो ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, अ वर्क कंस्ट्रक्टेड at the head of water course और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फील्ड, at the head of water course और फील्ड to carry the irrigation water from canal और
फ्रॉम कैनाल और हाँ डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन साथ के साथ नोट करो भाई, और फिर बाद में इसका मतलब समझ लेंगे, ठीक है। और क्यों प्रोवाइड करवाते हैं इसे भाई, कैनाल आउटलेट इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल, प्रोवाइडेड टू कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर इनटू इरिगेशन फील्ड, इरिगेशन फील्ड। देखिए अब इसका मतलब समझ लो, पहले तो मैं इसका हिंदी में मतलब बता देता हूं भाई, क्या मतलब होता है कैनाल आउटलेट का। देखो जहां पे आपका खेत है, जहां पर आपका फील्ड है, अगर आपने इस खेत में जहां से होकर के भी वाटर एंटर कर रहा है, अब देख लेते हैं डायग्राम बना के भी कहां से होकर के वाटर एंटर करेगा। जैसे मान लिया ये आपका हो गया भाई आपका खेत, ये हो गया आपका खेत, ठीक है। ये है आपका पूरा फील्ड जहां पर आपकी क्रॉप ग्रो कर रखी है आपने, ठीक है। अब आपको क्या देना है भाई, इस फसल को पानी देना है, ठीक है। पानी जो है वो आपका मान लो कहीं कैनाल वगैरह से आ रहा है, जैसे ये मान लिया आपकी कोई कैनाल यहां होकर के निकल रही है, कैनाल हो गई या फिर ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, ठीक है। ये आपकी हो जाती है कैनाल, और यहां से आपका खेत में पानी आना है कुछ इस तरह से करके, ठीक है। इसको कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटरी, ये आपकी हो जाती है क्या, डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपका ये जो फील्ड है इसमें यहां पर एक आउटलेट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इस आउटलेट का काम होता है, क्या काम होता है, कि भाई खेत में जितना पानी चाहिए ना इतना ही पानी ये अंदर से आने देता है बस। या फिर हम कहें कि भाई जो खेत के पास में नाका बना दिया जाता है, नाका आपने नाम सुना होगा भाई, नाका अगर बना रखा है खेत के, नाके टूट गए, तो इस नाके टूटने का मतलब है कि जो आपका ये आउटलेट है ये आपका टूट चुका है, या फिर आपका जो आउटलेट है ये खराब हो चुका है। इस आउटलेट का काम क्या होता है कि कैनाल से वाटर लेकर के और फील्ड को देने का, ठीक है। लेकिन ये काम क्या आता है भाई आउटलेट, ये वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है। जो इरिगेशन वाटर आपको यहां से मिल रहा है अपनी कैनाल से, इस वाटर को कंट्रोल करने का काम करता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है भाई, देखिए अभी अगर मान लो आपने खेत में गन्ना उगा रखा है, ठीक है, खेत में आपने कर रखी है गन्ने की खेती, तो सीधी सी बात है गन्ने की खेती को पानी जो है वो ज्यादा चाहिए होता है। अब दूसरे बार आपने किस चीज की खेती करी, एक बार आपने कर ली गन्ने की, दूसरे बार में आप खेती किसकी कर रहे हो, मान लो गेहूं की कर रहे हो, तो आपको पता है कि गेहूं और गन्ने को जो है वो बराबर पानी नहीं चाहिए होता, गन्ने को पानी ज्यादा चाहिए होता है, गेहूं को पानी कम चाहिए होता है, ठीक है। दोनों ही आप खेती कर रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, कैनाल जो है इसमें तो आपका फिक्स डिस्चार्ज एक छोड़ा जाएगा, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो इस कैनाल में एक फिक्स डिस्चार्ज से पानी छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसको ये थोड़ा ना पता है कि आपका खेत में आपने क्या कर रखा है। हो सकता है कि आपने अपने खेत में गन्ना बो रखा हो, साइड वाले ने किसी और चीज की खेती कर रखी हो, इधर किसी और ने किसी और चीज की खेती कर रखी हो, मतलब हर जो अलग अलग आपके खेत होते हैं पूरे एक फील्ड में, हर आपके अलग अलग खेत में अलग अलग तरह की फसल होती है, और अलग अलग तरह की फसल को अलग अलग क्वांटिटी में ही वाटर चाहिए होता है। तो भाई जितना भी पानी इस फील्ड को चाहिए, जितना भी पानी इस क्रॉप को चाहिए, इस पानी को कंट्रोल करने के लिए आपका एक आउटलेट यहां पर प्रोवाइड करवाया जिसको कंट्रोल कर सके। या फिर आउटलेट का अगर हिंदी में लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि खेत में आने वाले पानी को कंट्रोल करना, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख भी लेना कि खेत में आने वाले पानी को कंट्रोल करता है, आने वाले पानी को कंट्रोल करता है, बस ये इसका काम होता है कि जो खेत में आपका पानी आ रहा है इसे कंट्रोल करने का काम होता है। जैसे मान लो अगर आपने अभी गन्ने की खेती कर रखी है आपको ज्यादा पानी चाहिए होगा, अगर आपने मान लो गेहूं की खेती करी अगली बार तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम पानी चाहिए होगा। तो इन दोनों सीजन में जो आपका कंट्रोल करेगा वाटर सप्लाई को वो कौन करेगा, ये आउटलेट ही आपका कंट्रोल करता है। और प्रोवाइड कहां करवाते हैं इसे, हेड ऑफ वाटर कोर्स या फिर हेड ऑफ फील्ड, ये जो फील्ड होता है आपका इसके बिल्कुल यहां पर प्रोवाइड करवाते हैं। इसे नाका भी कह देते हैं, कई बार कहते हैं ना भाई नाका मोड़ने या फिर पानी लगाने जा रहा हूं खेतों में, तो खेतों में पानी लगाने का मतलब यही होता है कि भाई आप जो है वो कितना पानी अपने खेत को प्रोवाइड करवा रहे हो, कितना पानी अपने खेत को दे रहे हो। अगर आपने मान लो ज्यादा पानी अपने खेत को दे दिया तो क्या होगा, वाटर लॉगिंग यहां पर हो जाती है। और वाटर लॉगिंग आपको मैंने कल बताया ही था क्या होता है, कि जब भी कभी
पेड़ में अगर सॉरी जब भी कभी आपकी जो सॉइल है इसमें वाटर टेबल इंक्रीज हो जाता हो, तो जो हमारा एक ट्री होता है, जो प्लांट होता है, इसके रूट जोन में एयर का सर्कुलेशन रुक जाता है, एयर सर्कुलेट नहीं हो पाती ड्यू टू इंक्रीज इन वाटर टेबल। ठीक है, अगर वाटर टेबल में इंक्रीज होने की वजह से एयर का सर्कुलेशन रूट जोन में रुक जाए, तो इस कंडीशन को आपका कहते हैं वाटर लॉगिंग। और अगर आपने मान लो यहाँ पर आउटलेट नहीं प्रोवाइड करवाया, तो वाटर लॉगिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है ना कि वाटर लॉगिंग ना होकर के कम भी रह जाता है पानी, कि जैसे मान लो आपकी फसल ऐसी जिसको ज्यादा पानी चाहिए और बिना आउटलेट के अगर आपने पानी दिया, तो हो सकता है कि खेत को पानी कम मिले। ठीक है, इसीलिए इस आउटलेट को प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि हम वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकें, कि कितना जितना पानी हमें हमारे खेत के लिए चाहिए इतना पानी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है भाई आपका कैनाल आउटलेट। क्लियर, तो यहां पर आपके जो कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा कि हम क्यों पढ़े थे। देखो, कैनाल रेगुलेटरी वर्क आपके कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जिससे कि हम वाटर के फ्लो को रेगुलेट कर सकें, एक हमारी कैनाल में वाटर का, चाहे वो आपका डिस्चार्ज हो, वाटर की वेलोसिटी हो, वाटर की डेप्थ हो, इन सारी बातों को हम कैनाल रेगुलेटरी वर्क से एक कैनाल में कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स हैं, ये हमारे चार तरह के हमने प्रोवाइड करवाए। पहला हमारा कौन सा वाला होता है, जो हमारे रेगुलेटर हैं। दो टाइप के हमारे रेगुलेटर होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हमारा हेड रेगुलेटर, दूसरा होता है हमारा क्रॉस रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर आपका कैनाल के हेड पर प्रोवाइड करवाते हैं, और जो क्रॉस रेगुलेटर है इसे आपके कैनाल के बीच में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, दो टाइप के आपके रेगुलेटर होते हैं, एक होता है आपका हेड रेगुलेटर, एक होता है आपका क्रॉस रेगुलेटर। कंप्लीट। रेगुलेटर के बाद हमने पढ़ा था स्कैप। स्कैप किस काम में आता है? कैनाल से अगर आपको एक्सेसिव वाटर को, आपकी कैनाल में अगर एक्स्ट्रा पानी है, तो उस एक्स्ट्रा पानी को नेचुरल ड्रेन तक भेजने के लिए आपको स्कैप कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं। इसके बाद फिर हमने फॉल पढ़े थे। फॉल हम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं? जहां पर कहीं पर अगर मान लो हमें हमारा जो ग्राउंड है इसका जो स्लोप है वो चेंज हो रहा हो, ठीक है, ग्राउंड का अगर स्लोप आपका चेंज हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको वहां पर एक फॉल प्रोवाइड करवाना पड़ता है। ठीक है, या फिर हम कहें कि अगर आपका वाटर जो है उसे हायर लेवल से लोअर लेवल पर लेकर के आना है, तो भी आपको एक फॉल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। मतलब 100 बात की एक बात है कि अगर ज्यादा हाइट से और कम हाइट तक अगर आपको वाटर को लेकर के आना है, हायर लेवल से लोअर लेवल तक अगर आपको वाटर को लेकर के आना है, तो आप क्या करोगे, वहां पर एक फॉल प्रोवाइड करवा देते हो। फॉल भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था ऑगीज फॉल। ऑगी फॉल में क्या करते हैं, एक ऑगी कर्व प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ऑगी कर्व क्या होता है? कॉनकेव कर्व और कॉन्वेक्स कर्व का कॉम्बिनेशन, जो किस तरह का दिखता है हमें, कुछ इस तरह का दिखता रहता है। ठीक है, ये होता है आपका क्या, ऑगी कर्व। इसके बाद में जो सेकंड हमने पढ़ा था ऑगी कर्व के बाद में, वो था हमारा रैपिड फॉल। रैपिड फॉल में आप क्या करते हो कि बहुत सारे अलग अलग आप ग्लेशियर्स कंस्ट्रक्ट कर देते हो। किस तरह से करके कंस्ट्रक्ट करते हो? कुछ ऐसे करके। ठीक है, यहाँ आपने बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिए, और इस रैपिड फॉल को आप कहाँ पर काम में लेते हो? जहां पे आपका जो ग्राउंड है वो एक तो लॉन्ग और इवन हो, अगर आपके ग्राउंड सरफेस की लंबाई ज्यादा हो और एक इवन सरफेस हो, तो आपको यहाँ पर एक रैपिड फॉल प्रोवाइड करवाना होता है। बट जो रैपिड फॉल है इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, होने को तो अच्छा होता है बट ये एक्सपेंसिव ज्यादा होता है, इसीलिए इसे कम प्रेफर किया जाता है। फिर इसके बाद लोगों ने कहा था अपना सारदा टाइप वॉल, तो सारदा टाइप फॉल का आपको पता ही है कि एक वर्टिकल ड्रॉप वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है। कैसे करके करते हैं भाई एक वर्टिकल ड्रॉप वॉल कंस्ट्रक्ट? कुछ इस तरह से करके एक वर्टिकल ड्रॉप वॉल को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, जहां से यहां पर ये अप स्ट्रीम हो गया, ये हमारा हो गया डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यहां से वाटर जो है ये कुछ ऐसे करके जाएगा, यहां पर होकर के यूं निकल जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है सारदा टाइप फॉल। ठीक है, इसके बाद में ग्लेशियस फॉल वगैरह भी हम लोगों ने पढ़े हैं, बहुत सारी चीजें आज पढ़ी है। अगर आज इस पढ़ी हुई चीजों में किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दीजिए। ठीक है, सारी बातें मैंने रिवाइज कर दी आज की, हमने कौन कौन सी टाइप पढ़ी। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल फॉल भी पढ़ा था। ट्रेपेजॉइडल फॉल में क्या करते हैं, एक ट्रेपेजॉइडल नॉच को बीच में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ट्रेपेजॉइडल नॉच आपका किस तरह का दिखता है? कुछ इस तरह का एक ट्रेपेजॉइडल नॉच आपको दिखता है। इस नॉच को उठा करके कैनाल के बीच में लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल हो गया। चलो अब कुछ बातें कर लेते हैं। इरिगेशन में कितने परसेंटेज सिलेबस कंप्लीट है भाई? 60-70% कंप्लीट हो गया होगा। ओके,
जल्दी समझ में आ जाता है। चलो अच्छी बात है भाई, जल्दी से समझ में आनी भी चाहिए चीजें। ओके, क्योंकि समझने के लिए ही तो पढ़ते हैं, और पढ़ते क्यों हैं? अब वो किसी कोई भी तरीका हो सकता है समझने का, क्योंकि जरूरी थोड़े ना है कि आप जो है वो इंजीनियर बनने के बाद में हमेशा किसी दूसरी जगह पर जाए। मान लो आपको जेई बन गए, जेई बनने के बाद में लगा दिया आपको किसी गांव के इलाके में, जहां पर मतलब आपको कैनाल संभालने का काम है, तो वहां ये थोड़े ना बोलोगे कि अरे ये वर्टिकल ड्रॉप बॉल कम हो गई, ये वर्टिकल ड्रॉप बॉल ज्यादा हो गई। लोग सोचेंगे अरे क्या पागल इंजीनियर आ गया, ज्यादा कुछ झाड़ रहा है। वहां तो सीधा यही बोलना पड़ेगा, अरे भाई नाका टूट गया, अपने खेत में नाका लगा लो, नहीं तो पानी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, और सीधी सी बात है यहाँ पे पानी ज्यादा बढ़ेगा तुम्हारी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे बोलना पड़ता है फील्ड में काम करने में और बुक्स में काम करने में, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सिविल इंजीनियरिंग अगर आप फील्ड में काम कर रहे हो तो बिल्कुल ही अलग है, और अगर आप स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल अलग है। दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब अगर मान लो आप चले गए कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे आपने जाकर के देखा कि यार सरिये यूज में लिए जा रहे हैं, कंक्रीट काम में ले रहे हो, तो आप ये थोड़ा ना बोलोगे भाई कितना मिक्स बन रहा है, कौन से डायमीटर के बाहर काम ले रहे हैं, भाई तो यही बोलना पड़ेगा ना कि अरे कौन सा सरिया है बता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा होता है भाई, आगे थोड़े ना पढ़ाओगे अब भाई। आज की क्लास जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो अगर आज की क्लास में तो बता दीजिए फटाफट से, नहीं तो फिर चलने का टाइम तो हो ही गया है, 1.5 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है। ठीक है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग यही है कि अगर सिविल इंजीनियरिंग को आप देसी तरीके से पढ़ते हो ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि तो सिविल का मतलब ही यही होता है कि जो एक पब्लिक के बीच में रहे, जो जनता के बीच में रहता हो और इंजीनियरिंग के काम करता हो, वो एक सिविल इंजीनियर है, जिसको सारे के सारे सिविल वर्क आते हैं अपने एरिया के। सिविल वर्क का मतलब अगर हमारा कोई पर्टिकुलर वर्क होता तब तो हम कुछ सोचते, हमें सिंचाई भी करनी होती है, हमें रोड भी बनाने हैं, हमें रेलवे का भी डिजाइन करना है, हमें बिल्डिंग का भी काम करना है, हमें कचरा भी उठाना होता है, हमें साफ सफाई भी देखनी होती है, हमें वाटर सप्लाई का भी काम है, बहुत सारे काम होते हैं सिविल इंजीनियर्स के रिलेटेड। ठीक है, तो हर काम की एक अपनी अलग अलग वो होती है। सिविल का मतलब ही यही है कि जो फील्ड में रह करके काम करे, जनता के बीच में रहे, लोगों के बीच में रहे। अब वो बीच में अगर आपको रहना है तो आपको लैंग्वेज भी उन्हीं की तरह यूज लेनी पड़ती है। भाई महाकुंभ क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे खुद के पास में टाइम नहीं है, इसलिए जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करवा दूंगा। और अभी एग्जाम का काफी टाइम है, एग्जाम के लिए आपके अभी देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सॉरी अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने तो आपके गवर्नमेंट ने जो डेट दे रखी है इसी के अकॉर्डिंग है, RSMS भी JEE के। और अगर ऐसे ही करके COVID-19 चलता रहा तो शायद हो सकता है कि एग्जाम के डेट वगैरह भी एक्सटेंड करने पड़ जाएं, बट आपके 4 महीने तो है ही हैं, तो 4 महीने का टाइम बहुत होता है। अभी हमें क्लास स्टार्ट किए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, 3 महीने में हमारा सिलेबस तक हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया, तो अगले 4 महीने में आप सोच सकते हो कि हम कितना कुछ करने वाले हैं। ठीक है, जो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपका महाकुंभ भी महाकुंभ चलने वाला है, इतने सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, जितने आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन चाहिए वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्लियर? तो चलो भाई, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वक्त हो गया है उस बात को बोलने का जिसका आपको इंतजार रहता है, कि सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और जुड़े रहिए मीना क्लासेज के साथ में। कल फिर से मिलते हैं एक ऐसी ही क्लास के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।